किताबों में पढ़ा होगा तो कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं हम किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे खुद करके देखा बराबर 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 मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं करना बस हमें इकट्ठा ना करें, ये जो इसका ये जो है ना इसका दो भी बराबर है पूरे कंपोस्ट बारिश का टाइम है थोड़ा उससे बात करें बारिश का टाइम होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ सर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो है मशरूम आज के समय में मशरूम मुख्य रूप से जनपद हरदोई में या थ्रू आउट इंडिया दो तरह का मशरूम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक तो हम जो हमारा मशरूम है जिसको हम बोलते हैं ढिगरी मशरूम, इस बटन मशरूम को तो आप गेहूं के भूसे पर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है वो पैडी स्ट्रॉ की है, जिसको फसल अवशेष प्रबंधन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या है। उस समस्या को दूर करने के लिए आप मशरूम तैयार कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो धान की पुआल की समस्या है उस धान की पुआल की समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं, कि जो आपके पास जो रिसोर्स जो संसाधन है उस संसाधन से बखूबी से कैसे आप अपने मशरूम का उत्पादन कर सकें। मशरूम नो डाउट मेहनत तो लगता है, लेकिन मशरूम बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, वास्तव में कितना अच्छा सुंदर लगता है, ठीक है। उसी प्रकार से जिन लोगों ने आज ऊँचाइयाँ हुई है समाज में, जिन लोगों का विकास हुआ है उसके पीछे उनकी अपनी मेहनत होती है। मशरूम इसलिए अच्छा दिखता है क्योंकि भूसा सड़ करके एक सोना पैदा करता है, इसलिए आप अपने पसीनों को जब आप बहाएंगे तभी मेरे भाइयों आप लोगों का उत्थान होना है। सोना कहाँ से निकलता है? खदान से निकलता है, उसको निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मोर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक उसको क्या करते हैं उसको तपाते हैं, के बाद में सोना निकलता है। तो आप लोगों को युवा हैं और सरकार भारत सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हमारे युवा साथी हैं रोजगार इस्टेब्लिश करें, और सरकार की इस पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर मशरूम की यूनिट लगाना चाहता है तो अप टू 20 लाख रुपीज़ की सब्सिडी है, 20 लाख रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, तो आप अपने मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। सुबोध आपको कुछ कहना चाहिए?